एक और मुआरके की तैयारियां। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर, सुप्रीम कोर्ट के नए सरबराह के इंतखाब के लिए पार्लिमानी कमेटी बन गई। नोटिफिकेशन जारी। ख्वाजा आसिफ, आजम नजीर तारड़, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक, राजा परवेज अशरफ, सैनेटर अली जफर, सैयद नवीद कमर, फारूक एच नाइक कमेटी का हिस्सा, राना अंसार, बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा, कामरान मुर्तजा भी शामिल। खसूसी पार्लिमानी कमेटी का अजलास आज शाम 4 बजे तलब। कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजों में से नए चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। जस्टिस काजी फाजीसा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट। नए चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम स्पीकर को भेजने के पाबंद। वजारत कानून चीफ जस्टिस से 3 सीनियर जजेस का पैनल भेजने की दरख्वास्त करेगी। स्पीकर तकरर के लिए नाम 12 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। वजीर आजम चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकररी के लिए एडवाइस सदर को भिजवाएंगे। तकररी के लिए नाम भेजने के लिए 24 घंटे से भी कम वक्त बाकी है। तहरीक इंसाफ के मौकफ में अचानक तब्दीली। पार्लिमानी कमेटी में शिरकत न करने का फैसला। PTI का कोई भी रुकन खसूसी कमेटी में शिरकत नहीं करेगा। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रुकनियत मनसूखी समेत तादीबी कार्रवाई पर इत्तफाक। शोकोज नोटिस इजरा की भी मंजूरी। रवाबित मुनक़ता करने, हुकूमती हलकों से रवाबित और दीगर मामलों पर पोजिशन वाजे करने का कहा जाए। PTI की सियासी कमेटी का ऐलामिया जारी। जानते थे कि सीनियर मोस्ट को लाने में भी कितनी कबाहत है। अब ये चीफ जस्टिस ऐसे बैठे हो जो उन्होंने अब फौरन 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 करके वो भी उसी टाइमलाइन पे चला है कि 25 तारीख से पहले मैंने ये भी साफ कर देना, वो भी साफ कर देना। हम जानते हैं सीनियर मोस्ट को लाने में कितनी कबाहतें हैं। इब्तदाई ड्राफ्ट आया तो किसी को पता नहीं था कि कहाँ से आया। इन सब पेचीदगियों को दूर करने में मौलाना ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया। मुमताज़ कानूनदान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतज़ाज़ अहसन ने GTV न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू की। उन्होंने मजीद कहा कि अस्खुद नोटिस लेने वाले काम सुप्रीम कोर्ट ना करे। माजी में साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से अस्पतालों में छापे मारे गए। इलेक्शन कमीशन में आज अहम केसेस की सुनवाई। PTI इंटरपार्ट इंतखाबात केस की समाअत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और अकबर अजबाबुल को नोटिस जारी। बानी PTI के खिलाफ तोहीन इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर केस की भी समाअत होगी। इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताखिर से मुतालिक केस भी सुना जाएगा। सैनेटर सैफुल्ला भुट्टो के खिलाफ शहादत ऐवान की दरख्वास्त पर नाअहली रेफरेंस की समाअत बुध को होगी। गजा में इजरायली जारहियत जारी। शुमाली गजा के इलाके जबालिया पर सिहूनी फौज का महासरा। सोल में रोज भी जारी। जबालिया में सिहूनी फौज की बमबारी से मजीद 18 फलस्तीनी शहीद हो गए। बैतलाहिया में बमबारी से शहदा की तादाद बढ़कर 100 हो गई। गजा में शहदा की मजमू तादाद 42,603 से तजावज कर गई। अलकसाम ब्रिगेड ने सिहूनी फौज की 4 गाड़ियों को तबाह किया। यासिन रॉकेट और धमाका खेज डिवाइस से सिहूनी फौज के काफिले पर हमला किया, जिसमें एक टैंक, बख्तर बंद गाड़ी, 2 G9 बुलडोजर शामिल थे। मुतादिद सिहूनी फौजी हलाक और जख्मी हुए। याहिया सिनवार की क़यादत में शुरू की गई इसराइल मुखालिफ जद्दोजहद बिलाखिर इसराइली हुकूमत की तबाही का सबब बनेगी। हमास के सियासी रहनुमा खालिद मशल ने तुर्किया में हमास के शहीद सरबरा याहिया सिनवार की याद में ताज़ियती तकरीब के दौरान कहा। याहिया सिनवार ने इसराइल के खिलाफ एक तूफान बर्पा किया जिससे वो लरज गया। फलस्तीनी मज़ाहमत इसराइली मजालिम का मुकाबला करती रहेगी। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रॉन का इसराइल के बारे में मौकफ तब्दील। नेतन्याहू के साथ यकजहती का इजहार। कहते हैं हमास रहनुमा सिनवार की शहादत गजा में जंग बंदी का मौका है। वाज़ेह रहे कि फ्रांसीसी सदर ने पिछले चंद हफ्तों के दौरान सिहूनी रियासत के बारे में सख्त मौकफ अपनाया था और इसराइली कार्रवाई की मजम्मत की थी। भारत आलमी सतह पर उजरती कातलों के जत्थे में शामिल। बैनुल अक्वामी शोहरत याफ्ता बरतानवी अखबार दी गार्जियन के तहलका खेज आर्टिकल में भारत की दहशतगर्दी और दूसरे ममालिक में कातिल की वारदातों में मुलव्वस होने को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की बैनुल अक्वामी दहशतगर्दी से कनाडा और अमेरिका के रिहायशी भी महफूज नहीं। वाज़ेह सबूतों के बावजूद भारत ने न सिर्फ इन इल्जामात को मुस्तरद किया बल्कि कनाडा पर सिख इंतहा पसंदों को पनाह देने का इल्ज़ाम भी लगाया गया है।
शिकारपुर के करीब डाकू पुलिस से असलहे से भरी गाड़ी छीनकर फरार। असलहा लड़ताना फोरेंसिक लेबोरेटरी में चेकिंग के लिए भेजा गया था। डाकू ने 138 9 MM पिस्टल्स और 275 मैगजीन समेत गाड़ी छीन ली। तीन पुलिस अहलकार गिरफ्तार। और आजाद कश्मीर की वादी नीलम का हर नजारा अपनी मिसाल। आप जा बजा बहते झरनों, आबशारों और झीलों ने वादी के हुसन को ऐसे चार चांद लगाए कि उसे बजा तौर पर खूबसूरती से तराशो एक हीरा करार दिया जा सकता है।